सोशल मीडिया के जमाने च ना लोग फटाफट बनना, चाहे स्टार बनना, रात रात बनना है, अमीर बनना रात रात बनना है। अब गलती नई जनरेशन ही नहीं है जी, जी गलती है साड़ी जनरेशन की, कह जे असा ही नहीं सीखा सर जी, अहां छड़ी ता सह चीज जी, ते अगली जनरेशन ते अहां क्या उम्मीद करिए। बिंदला सजदा मथे सोनी है ओ बालू जचदा नकेड़िए। अच सर और थोड़ा पर्सनल सवाल भी हो रहा कि जी और तो हम मास्टर भी ना हां ना टीचर रहेगी कि उस तरह उन इस तरह तो आप सॉन्ग्स से कल्चर से करते हैं कई बोलती नहीं यार क्या पकड़ लिया उन दिखा अनुभव है कि उस तुसें थोड़ा जिहा मोटिवेशन भी होनी, खैर मुंह पर तो कोई आलोचना नहीं करता और नहीं की, अगर बटियात प्यारा च भी 25-26 हज़ार व्यूज मिले ना और लाइक किया और जल मैं कमेंट्स पढ़ता तो बूस्टर डोज मिलती मतलब मिल जुली है। अच्छा काम तो कोई भी जिंदगी कर गए ना जी, इसका क्रिटिसिज्म करने आ भी होने कने तुसें मोटिवेट करने और मैं जी है ना आलोचना जो जी है सकारात्मक आलोचना जो मैं स्वीकार भी करता, हो सकता कमियां नहीं गलांदे कि साढ़े च कोई कमी नहीं है जो सुधार करने का मिले अगर सकारात्मक हो और उस बेहतरी की गल हो बाकी तो चलो लत्ता तो खिंचनी। हाँ जिस वक्त कामयाबी मिली तो फिर प्रशंसक भी बनी गुरजी गल सोशल मीडिया के जमाने च ना लोग फटाफट बनना, चाहे स्टार बनना रात रात बनना है, अमीर बनना रात रात बनना है। उतना एक था अपना एक स्टेज था, एक फेस था एज ए टीचिंग कहता उस जगह सिंगिंग से आए या कल्चर मेरा तो क्या मैसेज देना चाहते हो उसकी कुछ सब बोले तो अपने जो ड्रीम्स की सपने न या थोड़े चीज के लक्ष्य न जिसे ले सकते हैं क्या थोड़े दफ्ते। अच्छा दिखा जी जियां हुण मैं एक एज सिंगिंग दे मतलब सिंगिंग एज सिंगिंग का मतलब मतलब मैं ही दसां तुसे जी जी कि छिंज मेला कमेटी दा अध्यक्ष बनने के बाद मैं इस मेरी एक छिंज पहलवान बोलते थे, मेरी एक बड़ी सोच थी कि कल्चर जो जोड़ा रिसेंटली बने कोई 19 बने एक छिंज हुई बाकी कोरोना काल चल गई उसके बाद एक अगली छिंज हुई इस पर 3 छिंज मतलब हुई और पहली छिंज मैं मतलब पहली छिंच ही कराना चाहता जिस वक्त 19 बनया लेकिन कुछ विरोधाभास है कि कई चीजा हो गया लेकिन यह कि मन बिच था कि चीज करनी फिर आस्ते आस्ते मैं मोटिवेट तो पहले था पब्लिक च कि भी कल्चर प्रोग्राम नहीं कराना फिर बाद बोलना इतने कल्चर का क्या इतना होना फिर आस्ते आस्ते सही मोटिवेट हो और जिस वो किता तो वही प्रशंसक बनी गए। अच्छा फिर उसके बाद जल वो प्रोग्राम देखे फिर जिस वक्त मेरा बिटियात गाना आया तब बड़ी बुद्धिजीवी आदमी माननीय अपने कुलभूषण मनी जी उन्हें बोलिया कि मेरा आप बटियात कला मंच को संभालो प्रभात राणा जी हैं विक्रम कौशल वगैरह इन्होंने उसके बाद मैं इस आई है फिर इस वक्त साढ़े पहले भी जाते थे मतलब लेकिन इस बारी भी अहाँ पार्टिसिपेट मेले च अपना जी बटियात की संस्कृति हाँ किता पार्टिसिपेट इवन क्या शोभा यात्रा च भी हिस्सा लिया तो फिर ये कि ऐसी गल भी नहीं है कि कोई डिमोटिवेट करा दा लेकिन चलो अगर कोई होगा तो मेरे सामने नहीं ऐसी कोई गलबात आई हूँ तुसें ज्यादा पता होना कि भाई खरा मनते कि बुरा मनते। मेरा सवाल था कि यूथ वास्ते। अच्छा हाँ यूथ वास्ते मेरा ही एक मैसेज है कि मतलब संस्कृति कने माँ एक दे ही होंगी बिल्कुल जी मतलब ये समझ लियो संस्कृति की सेवा करना कने माँ की सेवा करना एक बराबर जी जी बिल्कुल ठीक है। रिसोर्स ये जो यूट्यूब मतलब जिस तरीके का मैं तो थोड़ा चलो भगवान की दया है रोजी रोटी का साधन है या मेरे हल है जी जी। मैं इस चीज़ जो करा था और मुझे भी नहीं है चाहत कि मुझे इसका कुछ पैसा मिल रहा है मतलब या वो करे लेकिन एक इच्छा थी कि इस प्रयास करिए मतलब चलो और भी करा दे है ना मतलब जी जी। लेकिन बेचारे जो थोड़े बेरोजगार ना उन्हें तो इतना संसाधन है नहीं ना तो मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि पहले अपनी मिट्टी के इस संस्कृति ने जोड़ो और स्टेजा च प्रोग्राम करो फिर कोई ना कोई जी अपने यूट्यूब चैनल च अगर तुसें लगता है तो करो कह जी उन्होंने बेचारे रोजगार का है ना मिंज तो रोजगार का इसते तो मतलब है ही नहीं कोई अच्छा जे चले तो भी ठीक है नहीं चले तो मिंज कोई नुकसान तो है ही नहीं है
मतलब कि ये अगर भाई दर मैं मतलब जीरो ते चले मैं डाउन से तो जाना ही और हो सकता आज नहीं पसंद आउन 10-12 साल के बाद ये चीज पसंद आई है। अच्छा सर जिस तरह ना काफी टाइम पहले कई सिंगर वास्ते प्लेटफॉर्म था जिसे बोलते कोक स्टूडियो साढ़े पटिया भी काफी होने मतलब आज गई है चाहे काफी सिंगर तो तीना तो हाँ कुछ सोचा कि एक ऐसा मंच होगा जो तू सारे ही पढ़ते जी चलो हाँ ये तो मीटिंग कमेटी का किता पर एक प्रोफेशनल वे है प्रोफेशनल कि दिन आया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हो है हाँ, मतलब ये चीज़ है थोड़ा सही जेड़े बुद्धिजीवी आदमी जी जी तीना ने हाँ अज तक तो आस्ते आस्ते शुरुआत है स्टार्टिंग है तो देखो अज तक कई बार सोचने होने कई तो जो गल करिए तो बन के आपके फील्ड का एक्सपीरियंस है या नहीं है हाँ मैनेजमेंट का तो है लेकिन चलो आस्ते आस्ते जी जी आना है तो कुछ जुड़ते भी जाने और यहाँ तो चाहते कि अच्छा प्लेटफॉर्म बनाइए इसकी और जेडे इत बेचारे इच्छुक न और अभाव है जरूरतमंद न और उन्होंने आर्थिक संसाधन नहीं तो कोई ऐसा बनाया जाए और थोड़े सही बुद्धिजीवी आदमी ने या और जेडे भी हैं समाज के तो तिने भी घूमने का मौका मिले या कोई ऐसे प्रोग्राम करिए कह जो मैं बटियात कला मंच का इस वक्त अध्यक्ष भी है तो उसने उत भी इस वक्त आर्थिक फाइनेंशियल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन हाँ ही वर्कआउट कर रहे थे कि उस फाइनेंस किए मैनेज करना है तो या कुछ व्यापारियों ने करने हैं या कुछ बुद्धिजीवी आदमी ने करते हैं लेकिन प्रोग्राम सोचा रिसोर्स जनरेट होंगे तो फिर जी सड़िया प्रतिभा हैं बटियात का बुजुर्गों तक सीमित है अज भी हाथी दास बुजुर्ग बनेटे हैं और बड़े अच्छा एक कल्चर है रूहना दे गीत हैं पुरानी जने लेकिन अगली नई जनरेशन नहीं गा अब गलती नई जनरेशन नहीं है गलती है साड़ी जनरेशन की कह जे असा ही नहीं सीखा सर अहां छड़ी दिता सह चीज त अगली जनरेशन ते क्या उम्मीद करा दी जे नहीं तो मैं तो उन्होंने यही सलाह दूंगा कि पहले अपनी मिट्टी कने इस संस्कृति ने जोड़ो और स्टेजों च प्रोग्राम करो फिर कोई ना कोई जी अपने यूट्यूब चैनल च अगर तुसे लगता है तो वह करो कह जी उन्होंने बेचारे रुजगार का है ना मीन जो तो रुजगार का इसते तो मतलब है ही नहीं कोई अच्छा जे चले तो भी ठीक है नहीं चले तो मीन जो कोई नुकसान तो है ही नहीं है मतलब कि ये अगर भाई दर मैं मतलब जीरो ते चले मैं डाउन से तो जाना ही और हो सकता आज नहीं पसंद आउन 10-12 साल के बाद ये चीज पसंद आई है। अच्छा सर जिस तरह ना काफी टाइम पहले कई सिंगर वास्ते एक प्लेटफॉर्म था जिसे बोलते कोक स्टूडियो साढ़े पटिया भी काफी होने मतलब आज गई है चाहे काफी सिंगर तो तीना तो हाँ कुछ सोचा कि एक ऐसा मंच होगा जो तू सारे ही पढ़ते जी चलो तो हाँ ये तो मीटिंग कमेटी का किता पर एक प्रोफेशनल वे है प्रोफेशनल कि दिन आया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हो है हाँ, मतलब ये चीज़ है थोड़े सही जेड़े बुद्धिजीवी आदमी जी जी तीना ने हाँ अज तक तो आस्ते आस्ते शुरुआत है स्टार्टिंग है तो देखो अज तक तो कई बार सोचने होने कई तो जो गल करिए तो बन के आपके फील्ड का एक्सपीरियंस है या नहीं है हाँ मैनेजमेंट का तो है लेकिन चलो आस्ते आस्ते जी जी आना है तो कुछ जुड़ते भी जाने और यहाँ तो चाहते कि अच्छा प्लेटफॉर्म बनाइए इसकी और जेडे इत बेचारे इच्छुक न और अभाव है जरूरतमंद न और उन्होंने आर्थिक संसाधन नहीं तो कोई ऐसा बनाया जाए और थोड़े सही बुद्धिजीवी आदमी ने या और जेडे भी हैं समाज के तो तिने भी घूमने का मौका मिले या कोई ऐसे प्रोग्राम करिए कह जो मैं बटियात कला मंच का इस वक्त अध्यक्ष भी है तो उसने उत भी इस वक्त आर्थिक फाइनेंशियल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन हाँ ही वर्कआउट कर रहे थे कि उस फाइनेंस किए मैनेज करना है तो या कुछ व्यापारियों ने करने हैं या कुछ बुद्धिजीवी आदमी ने करते हैं लेकिन प्रोग्राम सोचा रिसोर्स जनरेट होंगे तो फिर जी सड़िया प्रतिभा हैं अपलाइन ना कहीं किस मैं तो युवा ये भी बोलगा कि साढ़ा जेड़ा एक कल्चर है बटियात का वह बुजुर्गों तक सीमित है अज भी हाथी दास बुजुर्ग बनेटे हैं और बड़े अच्छा एक कल्चर है रूहना दे गीत हैं पुरानी जने लेकिन अगली नई जनरेशन नहीं गा अब गलती नई जनरेशन नहीं है गलती है साड़ी जनरेशन की कह जे असा ही नहीं सीखा सर अहां छड़ी दिता सह चीज तो अगली जनरेशन ते अहां क्या उम्मीद करा दी जे अहां अडॉप्ट कीते अहां अपने ब्याह कारजां च कथा जमणियां च या कुती सह चीज अहां
रखी होंगी जी जी इस वक्त साढ़े आई उम्र की जनरेशन है जी जी मैं तो बोलता दोषी आसान अगली जनरेशन नहीं है दोषी उसे ट्रांसफर जो बुजुर्ग तक था आहानी ऐसा किता साढ़े तो बच्चे हाल जाना तो बच्चे कजो दोष दे गया सर हम मेरा चलो लास्ट है ना कि एक ना लोक संस्कृति विभाग है पहाड़ी कल्चर हम पहाड़ी हाँ सॉरी कि पहाड़ी हाँ एक करियर जी तू प्रमोशन हो जी आइडिया थोड़े आए उन्हें सर लगातार ही नाटक करते हे कार्यक्रम करते हे बड़े बड़े दिन सैमिनार होंगे हे तो भी तो लगता है गोरमेंट तरफ का क्या एफर्ट्स होना चाहिए कि इस चीज और प्रमोट दिखा तो हाँ जड़े खर्चे करी आ रहे हर कोई तो जरा एफर्ट लोग नहीं कर सकता नहीं 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 इस वास्ते हाईटेक ड्रोन भी चाहिए सब कुछ तिना तिना बुजुर्ग एक करने वास्ते एक ऐसी जगह उसे बैठने से तो लगा कि साढ़े है इस तरीके वास्ते क्या हो सकता नहीं ये गल सही है थोड़ी मैं चार गाने का अपने व्यक्तिगत खर्चे पर और एक शौक की गल कितने एक चीज है अगर ऑडियंस का प्यार नहीं मिलगा बैकअप नहीं मिलता नहीं मिलगा बैकअप तो मैं भी कितना गंद काट देना मैं भी कुछ टाइम के बाद जी ऐसा खर्चा भी पूरा हो गया है मेरा बाकी तो और एक चीज है अगर नहीं चली तो फिर अगे चलाना मुश्किल होना हाँ यूट्यूब चैनल बटियात कला संस्कृति मंच का भी चलाना चाहते लेकिन चलाइए तो मतलब मुझे तो यह लगता है फाइनेंस कुतान करिए फिर हाँ जी इतने करी के जेड़े भी पुराने साढ़े हैं ना बंदे या यूथ जेड़ा भी है उस जो प्रमोट करिए और उस दा चलो ये है लेकिन चलो है नहीं दिमाग चीजा और एक चीज है ठाक साहब शुरुआत करनी तो कमियां भी नहीं कर दी सब कुछ होता और एक चीज है चलो एक शुरुआत है शायद कोई और जुड़ी जान बंदे और कोई फाइनेंस का भी ऐसा बनी जाए कि हाँ इस अपने जेडे युवा ने या अपने जेडे होर इस चीज चुक ने तिन्हें कुछ कर सकी अज तक तो खैर रोड मैप ही दिमाग च आता ना लेकिन चलो कोई इसकी एक अच्छी सलाह मशवरा मिलगा तो इस भी कोशिश करनी है क्या जी मैं भी कितने के दिन गाई सकता मेरी भी कोई वो तो है नहीं है लेकिन हाँ चाहते कि चीज खत्म ना हो तो यह थी साढ़े कन्ने पवन सर दिन गल पहली गल कि संस्कृति की सेवा जी माँ की सेवा बराबर है दूजी गल कि यह जो पौधा तैयार होता तीसरा खाद पानी चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी चाहे व्यवसाय हर तरफ ला चाहिए जिससे साड़ी संस्कृति अगली कई पीढ़ी तक जा सके मैं तो थोड़ी गल तो सब तो बड़ा सहयोग मैं बोलता फाइनेंस से नहीं हो पब्लिक की जी सहयोग है पब्लिक अगर इश्यू एप्रीशिएट करे स्टेप जो हो सकता कि पहले कमियां हो ना लेकिन नेक्स्ट टाइम जी है जलू एप्रीशिएशन मिल गए हाँ एक चीज मुझे जी थोड़ा मिलता जो कमेंट्स आते ना जी जी तो फिर और एक अच्छे इंटेलिजेंट आदमी के कमेंट्स में कोई मतलब वो नहीं अगर तुम दिन गए तो मतलब उसने मोटिवेशन मिलती है और एक चीज तुम ठीक बोले ना कि मैं बोलता जब तक पब्लिक का ऑडियंस का सहयोग मैं तो यही अपील करके कि तुम हाँ इस जो शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा गाने जो ताकि और भी अगे हिम्मत करी सके कि अगर इस उम्र का आदमी भी ये काम कर सकता तो हाँ तो यंग ना तो हाँ तो होर भी इनते बेहतर कर सकते लेकिन मैं तो चाहता कि भगवान करे कि साढ़े भी बेहतर इतने बटियात निकलना मतलब बड़ा साला जुड़ने वास्ते बड़ी बड़ी मेहरबानी कहने दर्शक भी उन्हें देसी भाषा बोलते छंदे ना कि जेडे गाने शेयर कर लिया